नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य में। आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष के बारे में। कुंडली में कालसर्प दोष अगर बनता है तो क्या उपाय करें और किस प्रकार से कौन सा कालसर्प दोष बनता है, और इसके सरल उपाय भी आपको बताऊंगा। मूलतः राहु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं, अतः इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता होती है। वास्तव में राहु केतु ग्रहों का हमारे कार्मिक फल से बहुत गहरा संबंध है। राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दोनों ग्रह बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ सूर्य और चंद्र पथ पर एक दूसरे से मिलते हैं। उस बिंदु विशेष को राहु केतु छाया ग्रह कहा गया है। मुख्यतः इन छाया ग्रहों से जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है कि व्यक्ति अंदर से कैसा है, जिसके अनुसार जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। किंतु इन छाया ग्रहों के बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रहों द्वारा जीवन में जो भी अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं, वे जातक को आध्यात्मिक की ओर अग्रसर करती हैं, वे व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देती हैं। कालसर्प योग वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, 288 प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 12 प्रकार के कालसर्प दोषों का महत्व तो बताया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनंत नामक कालसर्प दोष के बारे में। यह योग जन्म कुंडली में राहु जब लगन में हो, वह केतु सप्तम भाव में हो। जब राहु लगन में विराजमान होंगे तो केतु स्वतः ही सप्तम भाव में होंगे, और उस बीच में सारे ग्रह बैठे हों तो अनंत नामक कालसर्प योग बन जाता है। राहु जब लगन में हो तो जातक धनवान होता है, बलवान होगा, साथ साथ बहुत ही दृढ़ निश्चय करने वाला साहसी होता है। हाँ, इतना जरूर मैंने देखा है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, परंतु वे अपने पुरुषार्थ से अच्छी सफलता पाते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। सूर्य उदय के बाद तांबे के पात्र में गेहूं गुड़ भरकर बहते हुए जल में आप बहा सकते हैं। संतान कष्ट हो तो काला और सफेद कंबल गरीबों में दान करें। प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। कालसर्प दोष निवारण यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, स्थापित करा सकते हैं। नाग के जोड़े, चांदी के जोड़े बनवाकर उन्हें तांबे के लोटे में रखकर बहते हुए जल में प्रवाह करने से भी शांति मिलती है। प्रतिदिन स्नान के बाद नवनाग स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अगर राहु की दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए, तो प्रतिदिन आपको राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम इन मंत्रों का जाप आपको 18,000 करना चाहिए। अगर अनंत नाम का कालसर्प दोष आपकी पत्रिका के अंदर बना हुआ है तो आप इन सभी उपायों को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। Thank you.